स्क्रीन पर देख रहे हैं 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 शिवम दुबे तीन छक्के छक्के लगाए लगाए और बहुत बड़े-बड़े आए फिर जडेजा जडेजा तो ने, भी मतलब नहीं बक्षा। बस के से नहीं ने टेक दिया बस वॉर्नर ही थे जो आप देखिए पृथ्वी शॉ जब आउट उनके लिए सामने फील्डर रखा था सामने मारता था वहां पर कैच पता था बोल्ड मरवा दिया खुद आगे आ गए थे

पहले मैच गुजरात चेन्नई और अब क्वालिफायर देखेंगे फाइनल भी मुझे लगता भी क्योंकि क्योंकि है है शायद फाइनल भी देखें क्योंकि टीम और भाई मुंबई का पत्ता कट रहा है क्या मुझे आरसीबी पता नहीं क्यों लग रही कि आ, जाएगी। आज, चलो, आ जाए कोई दिक्कत नहीं है आरसीबी आ जाए गुजरात को हरा के गुजरात को हरा के यार ये जो आपसे दोनों ही टीमों के बल्लेबाज कम नहीं है दोनों ही टीमों के बदले और तगड़े हैं मतलब तगड़े हिटर्स ही हैं अच्छे खासे है। श्रेया पांडे नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट टुडे वॉज वेटिंग फॉर द पोस्ट मैच यान अनादर डे बट यू गाइज हाँ 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 श्रेया जी थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था रात में एक्चुअली देखिए पोस्ट मैच का थोड़ा सा इशू ये है कि वीडियोस बहुत सारे आ जाते हैं तो फिर हमें पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ड्रॉप करना पड़ता है तो इसके लिए हम जरूर आपसे माफ़ी मांगेंगे बाकी एक्चुअली थोड़ी सी शिफ्ट में भी टाइमिंग में भी चेंज हुई है इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर हॉशपॉट्स देखने को मिल रहा है बट यार अब क्या करें हम भी थोड़ा सा हो जाते शिफ्ट में फंस जाते हैं इस तरह से बहुत ज़्यादा श्रेया पांडे बोले एनी वे वॉट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बाय सी एस के बिल्कुल आ, क्या तगड़ी परफॉर्मेंस थी यार मतलब एक तरफा डोमिनेट किया है बस डेविड वार्नर को छोड़ दो तो कोई भी बल्लेबाज लगा ही नहीं कि खेला है डेविड वार्नर भी शुरुआत में स्लो इनिंग बट क्या करते शुरुआत के तीन विकेट गिर गए पृथ्वी शॉ आउट हो गए फिलसॉल्ट आउट हो गए आउट हो गए रायली रोसो आउट हो गए तो उनको थोड़ा संभालना था बाद में अटैक करना शुरू किया था बट शायद लेट हो गए थे अटैक करते करते क्योंकि साथ में कोई साथ मिला ही नहीं अक्षर पटेल ने थोड़े जौहर दिखाए बट काम नहीं आया आ, तो ये है पृथ्वी शॉ आज नहीं चले पांच रन सात गेंदों में एक चौका लगाया पिछले मैच में चले थे धर्मशाला में आतंक मचा दिया था इन्होंने पंजाब को बाहर करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी बट आज

इन्होंने बना लिया वो जो बॉलर जो चाहिए था शुरुआत में पावर प्ले में स्पेशली विकेट लेने वाला जो गेंदबाज है उनके पास है और वो वहीं पर इस्तेमाल मतलब टीम आदि इंजर्ड और यंग बोलर है दीपक चैर भी मतलब मान लो इतने भी ज्यादा सीनियर नहीं हुए अभी पिछला तो पूरा साल ही मिस किया मतलब पिछला साल मिस किया इंजर्ड रहते ही हैं इतने भी सीनियर नहीं हुए हैं अगर कोई ज्यादा सीनियर होता गेंदबाज तो बात होती अलग पर देखिए दीवक चेहरी लीड कर रहे हैं मुकेश चौधरी भी नहीं है इस साल रूल आउट है और उसके अलावा आप देखो सिसांडा मंगाला लाए थे वो इंजर्ड हो गए भाई ये, ये दो मैच थे वो। निकाल रहे काम अपना तुषार देश पांडे आकाश सिंह से बीच में निकाला से निकाल लिया था भाई ऐसे ऐसे गेंदबाजों से और भाई पथी राणा को तो अपना मैन बना दिया अब ये बनाएंगे भाई मेरे को लगता है ये छे आईपीएल ले जाएगी चेन्नई में वो ठीक है <laughs> वो बाद में पर <laughs> क्योंकि आईपीएल चाहिए भाई टाइम क्योंकि देखिए मुझे पता है क्यों लग रहा है हाँ। क्योंकि इनके पास अब पथी राना आ गया पथी राना देखिये ग्रूम करेंगे पर अब अगर एम एस धोनी कप्तान रहे तो लंबे टाइम तक ना अब महेंद्र सिंह धोनी मुझे लगता है की अगला सीजन खेलेंगे ज्यादा ज्यादा अगर खेले तो वो वो आखिरी होगा मान लीजिए अब बयालीस साल से ज्यादा थोड़ी खेल पाएगी अलग थोड़ी है कितना दिक्कत दे रहा है वो तो चोट लगी थी उनके खैर और आज तो हाँ पे फैंस भी बोल रहे थे कि अगर सी एस के नहीं जीती तो अगला साल आएंगे अगर जीत गई तो फिर वे ले लेंगे अब फिर मैंने यही पूछा था उनसे कि फिर क्या चाहते हो आप सी एस के जीते या ना जीते आ, तो तो. बोला कि नहीं जीत के हम विदाई देंगे जीत जीत जी, जीते और विदाई दे देंगे अरे भाई ऑब्वियस सी बात है देखिए प्रैक्टिकल सी बात है एक इंसान हम हमेशा थोड़ी खेलेगा अब यार क्या पचास साल सचिन तेंदुलकर ने चौबीस साल क्रिकेट खेला कोई नहीं सोचता था मतलब किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि इमेजिन कर भी नहीं सकता था क्योंकि सचिन से इमोशनली जुड़े थे हाँ। लोग कि भाई एक दिन रिटायरमेंट ले लेगा क्योंकि सबको आदत थी हाँ। सचिन को रोज देखते थे मतलब जब मैच होते थे अब बैटिंग करने आएगा हुँ, हुँ। टेस्ट मैच होगा तो भाई सचिन चार नंबर पे आएंगे और वनडे होगा तो भाई ओपन करने आएंगे और ओपन भी करने आएंगे तो भाई किसी ने सोचा नहीं था इमेजिन नहीं कर सकते थे इंडियन क्रिकेट को सचिन के बिना कौन इमेजिन कर सकता था कभी किसी ने करा ही नहीं था सही बात और मूव ऑन करना मूव ऑन करना पड़ता है और देखिए भूल जाते हैं भूल जाते हैं और टीम देखो मतलब

एक दिन विराट भी रिटायर होंगे एक दिन कोई और रिटायर होगा सब है रिटायर होंगे देखिए सबको सब जाना टाइम है भाई सबको जाना है ये शो चलता रहे मतलब है, जाते प्लेयर्स आप स्पोर्ट एक ऐसा है मतलब एक इवेंट है या स्पोर्ट एक ऐसी आपकी प्रैक्टिस है वो आप एकदम बड़ी एज तक नहीं खेल पाओगे हाँ कोई ऐसा स्पोर्ट जिसमें आपको जो है हर टाइम प्रैक्टिस करनी हो क्रिकेट खेलना हो रनिंग वगैरह करनी हो तो कभी ना कभी एज तो जवाब देगी क्या करें भाई वही है अब इसमें एक तो वो ऑफिस वाला नहीं रहता ना जॉब वाला की रिटायरमेंट की उम्र साठ

हाँ, वो जो लॉर्ड्स में मैच हाँ, हुआ था एमसीसी वर्सेस वर्ल्ड इलेवन पता नहीं, नहीं world, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और वहाँ पे भाई साहब पता नहीं लगा था

बट ठीक uh, है और बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है मतलब पॉसिबल है बट बहुत मुश्किल है कि आर भी हार जाए और एम भी हार जाए और राजस्थान अंदर आ जाए क्योंकि चांसेस बहुत कम है देखिए एम आई तो लगता है जीत ही जाएगी वन खेले में SRH है एसआरएच एसआरएच का SRH का तो डब्बा गोल हुआ हुआ है अब बात करो फिर अगर आप आरसीबी की तो आरसीबी जीटी बड़ा मुकाबला है हाँ, और जीटी जीत सकते यार जीटी जीत सकती है बट

अब नहीं करेंगे ये तो वही बात होगी कि धोनी रिटायरमेंट से वापस आ जाए ये तो वही बात होगी तो नहीं होगा भाई कैप्टन